बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वेलकम टू फौजिया खान एंड माजिद खान शो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब जनाब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और माशाल्लाह मेरे डैशिंग से को होस्ट हमारे बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत खूबसूरत सिंगर जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरे प्यारे से को होस्ट माजिद खान। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बिल्कुल खैरियत से हैं माजिद जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने सोचा कि मैं फौजिया खान बहुत बोलती हैं और बहुत प्यार करती हैं आप सबसे, आप सबका प्यार मोहब्बत है जो मैं जो ना मैं चुप नहीं हो पाती मेरे अंदर से आप लोगों के लिए, आप लोग जो इतना प्यार देते हैं, इतना माशाल्लाह इतनी दुआएं देते हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि हमेशा आपको उसका रिस्पांस बहुत अच्छे तरीके से दूं। और थैंक यू सो मच, आप इतना लाइक करते हैं मेरे संदास को, जज़ाकअल्लाह खैर। और माजिद भाई आज आप बोलेंगे, आज मैं आपको मौका दूंगी कि माजिद भी बोले और हमारी खूबसूरत सी गेस्ट से अभी आपको मिलाते हैं हम। माजिद थोड़ा सा आपसे बात करेंगे उसके बाद। सबको मेरा बहुत प्यार भरा सलाम और आज ये अदब से बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको। हम लोग ज्यादा टाइम लिए बगैर, वैसे ही हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज, और आपके लिए आज एक बहुत अच्छी सी जबरदस्त सी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, तो उनके लिए वो जीटीए की बहुत अच्छी मतलब के काम करने वाली, आपको लेजर में अगर आपको इंटरेस्टेड हो कि आपको अपनी स्किन केयर से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानी होती है, लोग चाहते हैं कि स्किन उनकी अच्छी हो, तो आप लोगों के लिए आज एक बहुत जबरदस्त गेस्ट हम लोग लेके आए और वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, और वो आप लोगों के सामने आज हम लोग वक्त जाया किए बगैर हम बिल्कुल अच्छे गेस्ट लेकर, हमारे पास गेस्ट जबरदस्त होते हैं, हर हफ्ते हम इतने खूबसूरत लोग लेकर आए जीटीए के जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत काबिल हैं, और माशाल्लाह ये भी हमारी प्यारी सी बहन उनमें से एक है। हम माशाल्लाह एवरी वीक इन लोगों को माशाल्लाह खूबसूरत से खूबसूरत लोगों से मिला रहे हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ दे आर डायमंड ऑफ जीटीए, दे आर आवर इन आवर हार्ट, और वो मैं आप वो लोग होते हैं इतने खूबसूरत इंसान हैं, और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो यार सो लकी कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे टैलेंटेड हैं जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, जिनसे आप सब भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनका एक नाम है यहाँ पर माशाल्लाह, वो दिन रात मेहनत करते हैं। और माशाल्लाह जो आज मेरी गेस्ट है यहाँ पर जी जबरदस्त है, खूबसूरत लोगों को, लड़कियों को और खूबसूरत बनाती है, और लड़कों को बनाती है नहीं, वो खुद बताएंगी। और जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है माशाल्लाह, शी इज वेरी टैलेंटेड, और वो माशाल्लाह मेडिकल बिल्कुल उनका बड़ा नाम है, वो एक्चुअली लेजर फेशियल करती हैं जबरदस्त तरीके से, लेटेस्ट तरीके से, और इतना खूबसूरत काम वो करती हैं कि मजा आ जाता है जी उनके काम को देख के। तो अब हम उनका नाम लेंगे और आप लोग देंगे वाह, आज से फौजिया खान क्या बात है, आप एवरी वीक इतने जबरदस्त गेस्ट लेकर आ रही हैं, क्यों माजिद? तो माशाल्लाह हम आप जी वेलकम करते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब आप लोगों का, अपनी खूबसूरत सी प्यारी सी गेस्ट का जी, जिनका नाम है शाजिया खान। क्या लिया शाजिया खान आपके लिए, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वी ऑल लव यू, वेलकम आपको कौन नहीं जानता शाजिया खान, और आप इतना जबरदस्त काम कर रही है माशाल्लाह यहाँ पर मिसिस सागा में, और इतने जबरदस्त तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ माशाल्लाह, तो अब ये इतने न्यू सिस्टम के साथ के माशाल्लाह देख के हैरानी होती है, और शी इज वेरी स्वीट हार्ट पर्सन, और ये माशाल्लाह मतलब खूबसूरत इंसान है माशाल्लाह, सबके साथ अपने क्लाइंट्स के साथ इतने खूबसूरत तरीके से डील करती हैं, इतनी पोलाइट है, इतनी सॉफ्ट है, और शी इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, और मुझे जब भी मैं इनसे मिली हूँ मुझे बहुत खुशी हुई है, लग रहा है शर्मिंदा कर रही है, शायद मेरे हस्बैंड को भी सामने होना चाहिए इंशाल्लाह। मैं आपको बिल्कुल ऐसे पर आज हम इस चीज को हम आगे रखते हुए आपके आज हम इनसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, आप लोग जो सुनना चाहते हैं, जो आप लोगों ने हम लोगों को सवाल पूछे थे, तो आज हम आपके बिहाफ अपने गेस्ट से सवाल पूछेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे क्योंकि माशा ऐसे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मिलता है, और लेडीज आज बहुत खुश होंगी क्योंकि माशा घर बैठ के वो आपकी तरह के जो माशा आपके अंदर टैलेंट है आप बताइएगा कि वो कैसे कर सकती हैं सारा, माशाल्लाह आपसे बहुत कुछ सीखेंगी वो इंशाल्लाह। तो हम आप शुरू करते हैं माय डियर आपसे, आप सबसे पहले बताइए आप कहाँ पैदा हुई, फिर आपकी एजुकेशन, आपका माशाल्लाह कौन से सिटी से आपका ताल्लुक रहा पाकिस्तान से, आप कैनेडा कब आई, आप खूबसूरत सी प्यारी सी बहन की आपकी शादी कब हुई, वो लकी इंसान कौन है, आपके कितने बच्चे हैं, और आपने
बताइए अपना प्रोफेशन इतना जबरदस्त सा, कैसे आप पीछे जा रही हैं, आपको मैं भी भूल गई, सब बताइए, फौजिया खान और माजी खान हमेशा अपने गेस्ट को कहते हैं जी बाय बस से बताइए साहब, माशाल्लाह इस खूबसूरत दुनिया में खूबसूरत शख्सियत आई है और ये माशाल्लाह कैसे ही सारा हुआ और अब तक का सफर बताइए आप हम सबको माशाल्लाह देखने वाला। आप पैदा वगैरह की बात कर रही हूँ तो मैं आई वॉज बॉर्न एंड रेज इन दुबई, वहाँ पे मेरे फादर होते थे, आई वॉज बॉर्न एंड रेज इन दुबई, देन वी माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फॉर फर्दर स्टडीज, उस वक्त इतना स्टडीज का नहीं था, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह की, माशाल्लाह शादी भी वहीं हुई कराची में, आई बिलोंग टू कराची, ओके, तो हस्बैंड आपके दुबई में ही होते थे, उनकी फैमिली वो कराची में ही थे, देन अगेन वी केम टू दुबई, ओह माशाल्लाह 15 इयर्स दुबई में रहे, फिर देन आई माइग्रेटेड टू विद माय फैमिली टू कनाडा, अच्छा 2014 में आई माइग्रेटेड, ओके माशाल्लाह, बच्चों के आप और आपके हस्बैंड आपके बच्चे पूरी फैमिली, ओके, आप उससे पहले भी वहां करती थी दुबई में आपका टीचर, माशाल्लाह जब आई वाज टीचर हमारी इतनी प्यारी सी नहीं मैं छोटे ही बच्चों को पढ़ाती थी लेकिन जब यहाँ पर आई तो पता चला टीचर्स का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा हाईली उनकी कमिटमेंट्स हैं और हाईली अपग्रेडिंग है बहुत ज्यादा, सो आई थिंक मैं क्विट करती हूँ यहाँ पे जो है अपना कोई ऐसी चीज शुरू करूँ जिसमें स्किल्स हो, जी जो स्किल रिलेटेड हो, या सो हाथ का हुनर कहीं पर भी आप कर लें, तो फिर देन आई वाज रिसर्चिंग, मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट किस में, सही, सो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात ये लगी मुझे कनाडा की कि दे अप्रिशिएट यू, जी बिल्कुल, दे मोटिवेट यू टू डू समथिंग न्यू ऑलवेज, एग्जैक्टली, कोई आपके ये नहीं कहता कि आपको लैंग्वेज बैरियर है या कुछ आपका ऐसा प्रॉब्लम, दे ऑलवेज मोटिवेट किया, जी बिल्कुल, एंड आई लर्न अ लॉट, माशाल्लाह इतना ज्यादा मैंने यहाँ पे लर्न किया, आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, ग्लोबलाइजेशन में मुख्तलिफ डिफरेंट पीपल से आप मिलते हैं और उनके अंदर बैठ कर आप काम करते हैं और लर्न करते हैं, इट्स वेरी बिग थिंग, सो मैंने बहुत लर्न किया वहाँ पे, आपको शौक भी था इस वजह से, फिर मैंने वहीं पर डायग्नोस किया कि मुझे शौक इस चीज का, बिल्कुल, सो फिर मुझे इसी चीज का शौक था, ये शौक आपका यहाँ पर आके डेवलप हुआ या आपको कहीं दिमाग, मैं करती जरूर थी, अपनी बहनों को बता दिया, अपनी बहन का फैशन कर दिया, वो इनके अंदर ना थी मैजिक, वो जैसा लिख लिया कुछ, लेकिन हम करते थे ना गाइड करना कि बहनों ये कर, हमारे जमीन पे ये, एग्जैक्टली, जब आपकी कोई आई वाज दैट टाइम ऐसे ही करती थी, और आप बड़ी बहन थी जो आप गाइड करती थी, आपने का कुछ बता दिया, और ये कर दिया, लोग आपको जज करते हैं, जी आपको प्रमोट करते हैं, माशाल्लाह आपको प्रेस करते हैं, आप कहते हैं कि आप इस फील्ड में आओ और आप जो जो आप क्या कर सकते हो, आपको शौक किस चीज से, गो इन दैट, बिल्कुल, और जब मुझे इसका था तो फिर मैं फिर, और आज आप बस यहाँ पर आई तो आपने स्टडी स्टार्ट की, आपने कॉलेज के थ्रू या प्योर कॉलेज, बच्चे आपके बड़े थे जो आप स्टडीज आराम से कर सकी, आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं यहाँ पर, देखिए आती है, हाँ आती तो है बच्चों के साथ, या जब मैं जाती थी शेरिडन कॉलेज, जी एंड देन आई शेरिडन से मैंने पढ़ा है, मैंने ईएपी वहां से किया, कितने ईयर का आपका ये वाला, मेरा एक साल का था, फिर शेरिडन आप पूरे ट्रेन होते हैं, एक साल में डिप्लोमा पूरा करवा देते हैं, अच्छा, माशाल्लाह, देन ऑन द मशीन्स, जो मशीन्स होती हैं जिस पे हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो हर मशीन की कंपनी हमें ट्रेन करती है ऑन दैट मशीन, इसके पैरामीटर ऐसे होंगे, इसके पैरामीटर ऐसे होंगे, तो दे ट्रेन्ड अस, तो वहां से तो हम बेसिक नॉलेज लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जो मशीनों की जो अलग अलग जो अपनी लेटेस्ट मशीन आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब जिनको देखे हो माशाल्लाह मशीन, आप लेजर का करते हो, हर चीज से भी है, मशीन अलग अलग है, जो मैं आपको डिटेल अगर बताऊं, स्पेशलिटी क्या है बता रही थी अभी, मेडिकल अलग अलग
जो है हमें प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ते हैं। लेजर के अलग अलग डायमीटर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती है, क्योंकि वो मशीन आपको नहीं बताती, वो आपकी तालीम बताती है, जो वो हर लेजर की अलग फ्रीक्वेंसी और अलग डायमीटर्स होती है, तो वो हमें हर स्किन टाइप पे जाना पड़ता है। कोई ब्लैक स्किन है तो वी विल गो फॉर दैट। दूसरी मशीन नहीं, वही उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग फिर ऊपर नीचे करते हैं, ये भी बड़ी बात है माजी साहब। तो वो ट्रेनिंग होती है एवरी, फिर अगर हमें कोई उनसे कुछ हम कुछ You never got trained for everything in one time. फिर जब हमें कुछ क्वेश्चन करना होता है तो हमें वो बताते हैं, do this thing for that. मतलब शाजिया खान आप लर्न पे लर्न कर रही हैं, डॉक्टर का पढ़ाई कभी नहीं रुकती, इंजीनियर की पढ़ाई कभी नहीं रुकती माशाल्लाह। इसी तरह बहुत खूबसूरत बात है कि माशाल्लाह डे बाय डे ये लर्न कर रही हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्किन होती हैं, तो उसके मुताबिक डिफरेंट टाइप्स के इनको पैरामीटर यूज करके चेक करना पड़ता है। जब क्या बात है, आप पे लोग इतना भरोसा करते हैं, ट्रस्ट का लेवल ऐसा होता है कि आपके सामने अपनी स्किन, आप लोगों की स्किन के साथ। मैंने इससे करवाया लेजर फेशियल, जबरदस्त, शी हैज वेरी सॉफ्ट हैंड, वो माशाल्लाह बहुत प्यारे तरीके से करती हैं, माशाल्लाह बहुत, खुद भी आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और माशाल्लाह आपके हाथ भी बहुत सॉफ्ट है फेशियल करने के लिए, नींद आ जाती है, मैं तो लिटरली सो गई थी, उन्होंने मुझे उठाया, फोजे खान उठ जाओ, अब तुमने घर भी जाना, तुम्हारा फेशियल एक घंटा भी कम्प्लीट हो चुका है, तो मुझे खूबसूरत बनाने में इनका भी बहुत ज्यादा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पहले आई थी, अब दोबारा आई, अब ऐसे जोर नहीं, आपके वो जादू जगा दिया, आप खुद ही इतनी इस वक्त तो खैर चमक रही है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आप लोग का प्यार है जी, और मैं बहुत खुश हूँ माजिद जी के, माजिद खान, फौजिया खान और शाजिया खान खान बैठे हुए आज माशाल्लाह, छा गए पूरे जीती है, और मेरा और हम तीनों का कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए आप, क्या खूबसूरत हम तीनों ने मैचिंग की है, हमारी खुश नसीबी, हमारी बड़कपन, हम इनके साथ बैठे हैं, तो उसमें कितने सेशन होते हैं और कितना वक्त दरकार है? या बहुत अच्छा सवाल है आपका, इट्स लाइक डिपेंड, हर स्किन बहुत अलग होती है, सो इट डिपेंड ऑन द स्किन एजिंग और स्किन कंडीशन, देन वी रेकमेंड द ट्रीटमेंट सेशंस, लेकिन लेजर के सेशन 6 to 8 तो होते ही होते हैं, किसी भी किस्म का लेजर हो उसके सेशन 6 to 8 होते हैं, तकरीबन कितने मिनट का ये होता है एक सेशन, बॉडी पार्ट पे डिपेंड करता है, क्या कोई अगर हैंड्स करवा रहा है तो उतना टाइम चाहिए, बॉडी पार्ट भी होता है, कोई अगर जो है लेग्स करवा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो पॉपुलर है वो हेयर रिमूविंग लेजर से, exactly. उनकी बात कर रही हूँ, फेस लेजर्स फिर वो अलग स्किन रेजुनेशन अलग आ जाती है, ठीक है, वो तो हार्डली 20 मिनट लगते हैं जी, ठीक है, विद लेजर्स, लेकिन अगर आपकी बॉडी पार्ट पे आप लेजर कर रहे हैं और हेयर रिमूविंग है, सो इट डिपेंड ऑन योर साइज ऑफ योर बॉडी पार्ट, अगर कोई खाली बैक करता है, कोई खाली बैक करा रहा है, कोई खाली अपना फुल बॉडी भी करवाती है लेडीज और अपना पार्ट्स भी करवाती है माशाल्लाह, और आप सबके साथ ऐसे जाकर बैक है तो बैक की मशीन का करेंगे, और एवरी टाइम वी डू अ पैच टेस्ट जी, ताकि अगर किसी को लेजर से कोई प्रॉब्लम, हमारी स्किन टाइप लेजर को एक्सेप्ट कर सकती है, नो नो नॉट, ये भी मैं बता दूं नॉट एवरी स्किन इज गुड फॉर लेजर, वो हमें देखना पड़ता है। देखिए नाज़िम कितनी अच्छी बात बताई आपको, और कितनी ऑनेस्ट हैं, कितने अपने काम से, कितने पैशनेट लोग हैं हमारे पास, कि मतलब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि बस ऑल एवरीबॉडी एवरीबॉडी इज वेलकम, बट बहुत कि वो फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं है, अच्छा वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यस पैच टेस्ट एंड कंसल्टेशन इज फ्री, तो वो आप पैच टेस्ट कर लो पहले इधर, ताकि पता चल जाए, 24 घंटे का टाइम ले लो कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है, वेरी नाइस, इट इज ओके देन यू गो कर, वेरी नाइस, माशाल्लाह लोगों को इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है शाजिया खान आपसे, जजाक अल्लाह खैर। अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कभी कभार, क्योंकि मेरी स्किन, मैं भी स्किन में वास्ते में सोचता हूँ, वेरी नाइस, अगर विंटर में मैं देखता हूँ कि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है, लोगों की होती है, yes, तो yes. कौन से मंथ्स ऐसे होते हैं जो आप रेकमेंड करती हैं कि एवरी मंथ के आप इस मंथ में आए, आप किसकी ऑयली होती है, किसी की ऑलरेडी ड्राई होती है स्किन, तो वो डिपेंड करता है, राइट, तो आप रेकमेंड करती हैं कि विंटर में आप अपना लेजर करवाएं या एनी मंथ इज गुड फॉर, एनी मंथ लेजर्स आर सेफ किसी भी टाइम पे ऑल द ईयर, राइट, किसी भी मुल्क में आप रहे, ये नहीं कि सिर्फ आप कनाडा वगैरह, यूनिवर्सल किसी भी लेजर्स आर सेफ नाउडेज, फिर हम उनको रिकमेंडेशन पोस्ट केयर बता देते हैं जी, कि अगर आप फेस पे कर रहे हो तो
यानी कि कोल्ड अप्लाई करो, जेल लगा लो, एलोवेरा या फिर SPF का इस्तेमाल मस्ट है। शादी ऐसा हुआ है कि आपने लेजर किया हो माय डियर और वो बाद में कोई रिएक्शन हो गया स्किन पर? हो सकता है, हो जाता है, हो जाता है, तो क्या उसका फिर आप? या फिर हम उनको यही कहते हैं कि आपको अगर बर्निंग या कुछ सेंसेशन हो चुका है जी, तो आप एलोवेरा लगाओ ताकि स्किन कूल हो जाए जी, एंड जस्ट कूल योर स्किन। ओके, एंड और ठंडा पानी, उससे ठीक हो जाए। मेरा ख्याल से कोई, आप जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में कि आप एक पैच लेते हो, पैच लेके आप उस पे थोड़ा सा उसको आप लेजर करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप उसको, फिर मेरे ख्याल से ये 80% है ना, तो ऐसा तमाम लोगों के लिए नहीं है। कुछ स्किन ऐसी होती है जिसमें लेजर का कुछ इंफेक्शन वगैरह आता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो हमें पहले से देखना पड़ता है कंसल्टेशन में, अगर कोई कैंसर पेशेंट है उसको कैंसर हिस्ट्री रही है, एटलीस्ट 4 years हो चुके हो उसके पूरे कैंसर को खत्म हुए, किसी भी किस्म का था। ओके, सो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि प्रेगनेंसी में वी डोंट डू लेजर। डायबिटिक डायबिटिक करा सकते हैं, एक लिमिट आ जाती है, फिर हम उस पे कहते हैं नहीं, अगर आपको जैसे ब्लाइंडनेस आ रही है ना डायबिटिक में जी, इसे नो डोंट कम। आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, है ना, बहुत माशाल्लाह टफ कंसल्टेशन में सब कुछ हो जाता, देखना पड़ता है जी। हम आपको बिल्कुल इसी के साथ, बहुत अच्छी बातें चल रही है, इतनी मजेदार बातें, और हमारा ब्रेक का वक्त आ गया, मजा आ रहा होता है। हम आपको जी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझसे पूछे, तो हम आपसे पूछेंगे जी, तो हम आते हैं, पानी शानी पीकर आइए, हम लोग 1 minute में आ रहे हैं जी, तो आते छोटी सी ब्रेक के बाद नए फौजिया खान, मादी खान, किंग खान यहाँ पे मौजूद है जी, किंग खान। ओके जी, मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, थैंक यू। तो हम लोग जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं और शाजिया खान से फौजिया खान और माजिद खान मजे मजे की बात कर रहे थे जी, और आपको बता रहे थे वो किस कदर टैलेंटेड खातून है माशाल्लाह, किस कदर अच्छी इंसान है, और कैसे वो जबरदस्त तरीके से लेजर कर रही है और कैसे जबरदस्त अपना काम कर रही है। तो जी माजिद, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तो चलते हैं जी दोबारा शाजिया खान की तरफ, और आप खूबसूरत से क्वेश्चन पूछे तो बीच में फौजिया खान हम लोग भी फायदा उठाएंगे उनकी बातों का, और माशाल्लाह हमारे देखने वाले भी बहुत खुश हो रहे होंगे आज, और फॉर श्योर के इतना जबरदस्त माशाल्लाह आज आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। सो ओवर टू यू शाजिया खान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ बता रहे हैं क्या? जी हम लोग जो है उनको देखकर ही करते हैं, तो कंसल्टेशन में सब कुछ आ जाता है। डायबिटिक पेशेंट भी आप? या वो अगर डायबिटिक नॉर्मल है इट्स ओके, फिर पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है लेडीज में, थायराइड होता है इशू, तो हम हर इशू को फिर हमें देखना पड़ता है, कोई चीज बॉर्डर पे है तो फाइन, लेकिन कोई हाइपर थायराइड या लोअर थायराइड है तो वो मैं फिर कंसल्टेशन करते हैं। हम एक सेशन हल्का करके उनको कह देते हैं कि आप देख लो कि आपका जी कैसा गुजर रहा है टाइम, यू नो जी 48 hours एटलीस्ट यू मॉनिटर योरसेल्फ। सबसे ज्यादा आपको कौन सी स्किन टफ टाइम देती है शाजी? आपको सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन स्किन, पिगमेंटेशन स्किन, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ पिगमेंटेशन पैचेस पड़े हुए होते हैं वो बहुत वो टफ होती है, और क्योंकि पैचेस जो है वो फिर डर्मिस तक पहुंच चुके होते हैं, यानी कि सेकंड लेयर ऑफ योर स्किन, सो वो फिर हमें, हम कहते हैं डॉक्टर के पास जाएं, वी विल ट्रीट ओनली द अपर 2 layers ऑफ योर या 3 layers ऑफ योर स्किन, क्योंकि एपिडर्मिस की भी 5 layers हैं जी। या एंड इट्स लाइक अ पेंसिल निप, अगर आप पेंसिल की निप देखें जो बिल्कुल वो इतनी हमारी नेचर ने, अल्लाह ने हमें कैसी स्किन बनाई है, तो उसी में 5 layers हैं, सुभान अल्लाह, एंड देन वी गो टू द सेकंड लेयर डर्मिस एंड देन थर्ड वन। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम नहीं कंप्लीट नहीं होता प्रोसेस शाजी, अगर आपकी किसी की नॉर्मल स्किन भी है और जो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है और सॉफ्ट स्किन, तो उसको भी आप मशवरा देती हैं कि वो 1 to 2 or 3 times जरूर आए? देखिए, अगर आपने कभी कुछ नहीं कराया जी, सो शुरू में सेशन ज्यादा लेने पड़ते हैं, ओके, then you reduce it, then give a gap of 2 months, 3 months, इस तरह से फिर हम कहते हैं कि हर वक्त आने की जरूरत नहीं है जी, या don't come every time, exactly, so addict नहीं है वो आप इस चीज के लिए, आप पहले शुरू में सेशन ज्यादा लो, स्किन पे क्लियरिटी आ जाए जी, then you see the results also and then give a gap, okay, मतलब आपके पास जो लोग आते हैं, which certain age? लेजर को तो हम 18 पे रिकमेंड करते हैं, कुछ लोग स्किन बाय बॉर्न बाय बर्थ इस तरह की होती है, तो नहीं, 18 पे हम कहते हैं जरा मैच्योर स्किन हो जाए। अच्छा, उससे पहले अगर कोई बच्चियां अपनी
एक्ने की वजह से आ रही है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस से तो एक्ने को डील करती है कंप्लीटली। और एक्ने सबसे ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है और सबसे ज्यादा स्किल्स एक्सफोलिएशन लाइक प्रॉपर्ली फॉर एक्ने स्किन या शार एक्सट्रैक्ट। तो जिन लोगों जो हमारी खवातीन घर पे देख रही है बैठी हुई, तो वो स्किन जो अपनी एक्ने से परेशान है, प्रॉब्लम है उनको, तो वो आप शाजी खान के पास आए। शाजी जी आपको नहीं, वो जरूर फोन उठाएंगे, वो क्यों फोन उठाएंगे। और अगर शाजिया खान अगर बिजी हो मॉडलिंग में, तो आप हमारे माजिद खान के पास भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, we lucky to have her, believe me. और हम लोग जो पठान जिस पठानी माशाल्लाह है इस फील्ड में, कोई किसी को शौक है इतनी टैलेंटेड मामा को देख के, या आपके हस्बैंड के क्या होता है माशाल्लाह, माय वाइफ इज सो टैलेंटेड। क्योंकि हाँ खूबसूरत लड़की के पीछे, मैं हमेशा कहती हूँ खूबसूरत लड़की के पीछे हमेशा उसके हस्बैंड की सपोर्ट होती है, और हम हैंडसम बंदे के पीछे खूबसूरत दीदी का सपोर्ट तो थी, लेकिन ऐसा कोई बच्चों का रुझान नहीं है या कोई ऐसा बच्चों का वो नहीं है। अच्छा, जो हमारे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, अगर जो भी आपसे ट्रीटमेंट करवाना आना चाहे, आपके ऑफिस, आपके आप किस जगह आप अवेलेबल है? थॉमस एंड विंस्टन चर्चिल, प्लीज कैन अगर आप अपना प्रोवाइड कर दीजिए अपना एड्रेस। और निसागा थॉमस एंड विंस्टन चर्चिल इंस्ट्रक्शन पर होती हूँ, और मेरा फोन नंबर है 4168987931। तो कोई भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है एम्फसाइज मेडिस्पा, और फेसबुक पे एम्फसाइज के नाम से एम्फसाइज मेडिस्पा। और शादिया खान, एज अ शादिया खान भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, है ना जी? या मेरा पेज अगर लाइक करना है, सो या यू कैन डू इट। तो आप लोग अपना पेज भी लाइक कर सकते हैं, एम्फसाइज के नाम से अच्छी-अच्छी चीजें आपको इसमें, होपफुली इससे वीडियोस डली भी होंगी, तो आप और आप लाइव देख भी रहे हैं आप शादिया खान को, बिल्कुल हमारे साथ। तो अगर कोई आपके पास आना चाहे, आपका कोई पेशेंट हो, कोई आपसे रुजू करना चाहे, तो आपसे वो अपॉइंटमेंट दे हम ऐसे नहीं ले सकते, तो हमें गैप देना पड़ता है एक के बाद दूसरे में, ताकि क्लीनिंग और एवरीथिंग हाइजीन हो जाए। सो आई नीड अ गैप। यही पूछना चाहती थी कि कितना आप एक पेशेंट, कितना एक दिन में कितने पेशेंट ले लेती हैं आप, और 7 days अ वीक करती हैं आप या 5 days अ वीक करती हैं? 6 days अ वीक करती हूँ। ओके, संडे को ब्रेक लेती हूँ। ओके, और जो है कभी वेदर खराब है तो हमारी भी कैंसिलेशन हो जाती है, तो वो छुट्टी छुट्टी है, छुट्टी छुट्टी है, बिल्कुल। सो पेशेंट कितने लेते हैं एक दिन में? 4। ओह माशाल्लाह, 4 से 5 बस। आफ्टर एवरी वन तो जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आप जान लें कि अगर आप लोग अर्जेंट हो, आप अर्जेंट का अगर आपको अर्जेंट आपका आना चाहे, या वो हम कर लेते हैं, कर लेते तो आप अप एंड डाउन हो सकता है। शाजी जी के पास बहुत सारी स्वीट हार्ट वो कर लेती है, मैं मसला नहीं। तो आप लोग जो भी हो, आप सबसे अच्छी बात यही है कि अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि आजकल वेदर भी खराब है, विंटर की बात है, तो आप अपॉइंटमेंट लें, उनके पास जाइए, और फिर अपनी तमाम चीजें, क्योंकि उनके पास वक्त होगा तो आपको वक्त दे सकेंगी, और आप ऑन टाइम रहिए प्लीज। बिल्कुल, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूं, अपॉइंटमेंट करें तो पूरे तरीके से करें, क्योंकि माशाल्लाह शी इज वेरी बिजी पर्सन। अच्छा, जब आप ट्रीटमेंट शुरू करती हैं, तो उससे पहले आप कुछ लोगों को रेकमेंड करती हैं, कोई आप उनसे डिस्कस करती हैं, क्या सेशन होते हैं आपके? हम यही कहते हैं आप सन में से सन एक्सपोजर लेकर ना आए मेरे पास, एटलीस्ट फॉर 2 days बिफोर आप अपना सन, सोना या कोई हॉट बाथ, या कोई अगर लेजर करा रहे हैं तो ये इन सब चीजें जो चीजें हॉट करती हैं बॉडी को, 2 days बिफोर वो स्टॉप करें हर चीज, यस यस राइट, बिल्कुल। और अगर आप लेजर पे हो, फेस लेजर है, तो रेटिनॉल हमारा विटामिन ए है, हम उसको कहते हैं कि वो ना यूज करें, स्टॉप कर लें उसको, अगर यू आर यूजिंग रेटिनॉल। कितनी अच्छी बात है, देखें क्या जबरदस्त इन्होंने बात बताई कि ऐसे ही हम लोग तो ऐसे जाते हैं, अगर हमें मालूम नहीं होता हम अपना भी टाइम जाया करेंगे। नॉर्मल फेशियल करा रहे हो, इट्स ओके फाइन, उसमें आप प्रोडक्ट्स उनसे ही आप काम कर रहे हो, लेकिन आप मशीन से काम कर रहे हो तो फिर तो आपको, यस। तो शादी, नॉर्मल फेशियल और मशीनी फेशियल में क्या डिफरेंस है? डियर, आप हाथ से भी करती हैं नॉर्मल फेशियल? अच्छा, वो बताइए जरा हमारी प्यारी बहनों को। जी हाँ, वो हमारा ट्रेडिशनल फेशियल है जी, बिल्कुल। ज़ारे बेसिक ट्रेनिंग तो वही होती है, ओके, लेकिन अब मशीन्स वगैरह आ गई हैं, सो वी डू, उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आते बिकॉज़ ऑफ द रिजल्ट्स, ओके। कोई चीज वार्म करती है, कुछ आपके सेल्स को जनरेट करती है अंदर से, आपका कोलेजन स्टिमुलेट करती है, सो एवरीथिंग, एवरी वॉन्ड हैज डिफरेंट टेक्निक,
टू ग्लो योर स्किन. तो एट द एंड हमें रिजल्ट चाहिए होता है, ग्लो होना चाहिए. बहुत अच्छी आपने बात की. और जो अच्छे काम करने वाले होते हैं वो रिजल्ट पे ही ज्यादातर फोकस करते हैं. अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहूंगा खवातीन के बारे में. मैं खुद तो खैर मैं लास्ट आपने जो दो लड़कियां बैठी हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है. नहीं मैं खवातीन जो हमारे घर पे बैठी हैं जो देख रही हैं जो मतलब एजेड होती हैं, काफी एज हो जाती है जैसे हमारी अम्मी की उम्र की लोग होते हैं तो, और वो लोग भी हर किसी को हक है अच्छा लगने का, खूबसूरत दिखने का, राइट. और आप हैं मार्केट में, आप पूरी जीटीए को भी माशाल्लाह कवर करती हैं. तो अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा उम्र, आपने किसको डील किया, कैसे स्किन आपने? हाँ, बहुत रिंकल्स स्किन आती है. स्किन आती है और वो किस एज में, और स्किन एज जो रिंकल्स होते हैं वो कब पड़ना शुरू होते हैं और किस वजह से पड़ना शुरू होते हैं लोगों के, ताकि लोग आपके पास आने से पहले उनको बहुत रीजंस हैं स्किन पे. स्ट्रेस पानी इंटेक, डाइट बड़ी प्रॉब्लम है. देखिए हम जो कहते हैं ना, वो कहते हैं 70% इज योर डाइट, 30% वो जो हम करते हैं जी. 70% व्हाट यू ईट, क्या प्यारी बात. यस, आप जो खाते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो सोने उठने के आपके जो टाइमिंग्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो भी हैं आपके, आपका मेन 70% इज योर लाइफस्टाइल, 30% जो हम डालते हैं. सो टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड ऑफ योर हेल्थ, वेरी गुड, वेरी नाइस. ये आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट टिप है, ठीक है. आप लोग कितनी अच्छी बात की. देखें आप सबसे अच्छी बात अपनी स्किन को लेके हर कोई एक्नी वाली बच्चियों को मैं ये कहता हूं कि बेटा 70% इज योर डाइट. आप जो डाइट लेते हो और जो एक्सरसाइज करते हो वो इम्पोर्टेंट है. नींद भी है ना जी. नींद हो गया, स्ट्रेस हो गया, जैसे बच्चियां स्ट्रेस ले लेती है ना, पढ़ाई का, एजुकेशन. तो डोंट बी स्ट्रेस और अपनी स्किन को अच्छा रखें, पानी पिए. खूबसूरत आपकी स्किन इसकी प्यारी है तो माशाल्लाह मैं पानी बहुत पीती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेस में कोशिश करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करूँ और जितना कम स्ट्रेस ले सके इंसान ले जी जिंदगी में. इतनी खूबसूरत अल्लाह ने नेमते भी दी, स्ट्रेस तो हर एक लाइफ अदा किया करें और पॉजिटिव रहें जी. कोई लाइफ ऐसी नहीं है, कोई पॉजिटिव होना पड़ेगा स्ट्रेस ना, बस उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, हो जाएगा जी, गुजर जाएगा. डाइट का ख्याल रखिए बिल्कुल. अच्छा, जैसे हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपको, वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर एक जो आपकी एज है, आप जाहिर सी बात है एज के साथ आपकी स्किन खराब होती है, आप रिंकल्स आते हैं, तो उसके लिए मींस के कौन सी ऐसी सर्टेन एज होती है कि आप अपने स्किन को डॉक्टर से रुजू करें, आप जैसे लोगों से, आप जैसे टैलेंटेड डॉक्टर से, आप डॉक्टर से भी बढ़ती हैं हमारे लिए माशाल्लाह. मेडिकल असिस्टेंट स्किन डॉक्टर, तो अगर आपसे वो कांटेक्ट करें तो वो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कि वो सोचते हैं कि हमारी स्किन जो नेचुरली हम लोग कब से इसको लेके कैरी करते हैं और अब हम इसको कुछ ट्रीटमेंट कुछ एडिशन करेंगे. या देखिए एवरी एज हैज इट्स ग्रेस, सबसे बड़ी बात तो ये है. तो डोंट बी ओवर शाय कि हमारे रिंकल्स क्यों आ गए, ये हमारे अल्लाह ताला ने दिया है जी. ये एजिंग प्रोसेस है, जो हम 20s में थे वो 40s में नहीं लग सकते बट एज ग्रेसफुली. That's the awesome thing कि आप age gracefully करो, just take care of your skin regime, body, yes. आपका या बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपने night time serums लगा रहे हैं, moisturize अच्छी तरह skin को कर रहे हैं, यही और exercise. ताकि आपको स्किन आपकी ग्लो करे और पानी पी रहे हैं. अच्छा, यही बहुत है. और विंटर है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मसाज जरूर कर लिया करें नाइट को, ताकि जैसे आप रिंकल्स के लिए कह रहे हैं तो प्री मेच्योर रिंकल्स अगर आ रहे हैं तो स्टार्ट केयर फ्रॉम दैट टाइम, तो वो आपकी स्किन को जो है बेहतर. इस खूबसूरत सी बात के साथ और खूबसूरत सी शाज़िया खान को रोकते हुए बीच में, और खूबसूरत हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने गेस्ट को गेस्ट को स्टॉप करें, इतना मजा आ रहा है सुनने में और मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो रहा है. ये कि हम हसन को पानी देते हैं और थोड़ा सा माशाल्लाह और अभी आते हैं जी ब्रेक के बाद, तो माजी जी आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के जा रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं ना जाएं और बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेटिव चीजें अभी आपको सुनने को मिलेंगी. यस, बाय शाज़िया खान, तो मिलते हैं जी छोटे से ब्रेक के बाद. थैंक यू, वेलकम बैक टू आवर शो. वेलकम बैक जी आपका शो, फौजिया खान माजिद खान शो, एज यूजुअल जो कहती हैं कंज्यूमर. हम टाइम जाए कि बगैर अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं जी और इनसे प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, इन्फॉर्मेशन. आप हमें बताइए कि आप कौन कौन से ट्रीटमेंट देती हैं लोग. या प्लीज, सो सबसे पहले फेशियल्स तो है ही में, जो बेसिक फेशियल्स हैं जी. लेजर मैंने आपको बता दिया, लेजर का स्क्रीन रेजुनेशन है वो भी होता है. मेरे पास हाइड्रा है, हाइफू है,
और माइक्रो नीडलिंग है और अब जो मैं लेकर आ रही हूँ वो मेसोथेरेपी है, हाइड्रा ये सब अलग अलग मशीनें हैं इसकी जिससे मैं काम करता हूँ। सब ये ट्रीटमेंट जो है वो हर स्किन की अलग अलग है और अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग उसके, और जो आपकी मशीन आप यूज करती हैं वो एक मशीन होती है या नहीं? नहीं, अलग अलग, हर चीज अलग अलग है। हाइफू इज फॉर स्किन टाइटनिंग, जो आप रिंकल्स वगैरह की मसला कह रहे हैं ना, वो टाइटनिंग हाइफू करता है ज्यादातर, वो आप उसको डील करती हैं ज्यादातर रिंकल्स को? रिंकल नहीं, मेरे पास पिगमेंटेशन जाती है माइक्रो नीडलिंग से, एंड डिपेंड कि हर स्किन लेजर नहीं ले सकती जी, तो फिर लेजर के लिए पैच टेस्ट करती हूँ। रिंकल्स के भी ज्यादा आते हैं आपके पास? ऑफकोर्स। आपके पास जो कितने टाइप्स की मशीनें हैं, कितनी, मतलब 8-10 मशीनें हैं? कितनी? नहीं नहीं, 8-10 तो नहीं है जी, कम है जी जी, बट एवरी मशीन हैज इट्स ओन प्रोसेस ऑफ डूइंग द वर्क ऑन स्किन, माशाल्लाह। वो अलग अलग। अच्छा, हमारे जानना चाहते हैं कि अगर वो आपके आने से पहले कोई आपकी प्राइस लिस्ट हो, आपको पता हो कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मेरे पेज पे होती है ज्यादातर प्राइस लिस्ट और मेरे रेट्स बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत जीटीए में, सो या एवरीवन कैन कम। और मेरा ख्याल से ग्रेड मैटर नहीं करते, अगर आपका काम अच्छा है तो मेरा ख्याल है कि लोग माशाल्लाह से तो इतना लाइक करते हैं माजिद इनको, इनके माशाल्लाह इनकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। आप हमें बताइए कि रिंकल्स के लोग आते हैं आपके पास, एक्नी वाले जो आते हैं ज्यादातर रिंकल्स और एक्नी में ज्यादा डिफरेंस है, तो ज्यादातर एक्नी जो है दो टाइप की एक्नी होती है, एक टीनेज एक्नी और मैच्योर स्किन एक्नी, तो वो दोनों ही आती है। और पिगमेंटेशन जो सन डैमेज होता है, जो लेडीज के सन डैमेज बहुत ज्यादा होता है जी, वो मेरे पास ज्यादा स्किन आती है। सो मैं, मुझे उनको बताना पड़ता है कंसल्टेशन में कि मैं ट्राई जरूर करूंगी आपके स्किन के अंदर जितना तक मैं जा सकी, लेकिन अगर पिगमेंटेशन डर्मिस तक पहुंच गई है एंड इंटरनल, सो यू हैव टू गो टू डॉक्टर। जो हेयर रिमूवर आप करवाती हैं बच्चियां भी, आज का आपको बहुत ट्रेंड चल रही है, तो जब तो बच्चियां चाहती है थोड़े से बेहतर, अगर आपके हेयर हम क्लीन नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है इंसान को, तो बच्चियां भी आती हैं, लेडीज भी आती हैं, तो आप बता सकती हैं कि ये ज्यादा छोटी एज में अगर शुरू किया जाए ज्यादा फायदेमंद है, या मिडिल एज में भी करवा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है? एवरी एज कैन डू। तो टाइम ज्यादा लेता है जो ज्यादा एज ज्यादा है किसी लेडी की, उनको टाइम ज्यादा लगता है? डिपेंड ऑन योर हार्मोनल चेंजेस। ओके, ऑलवेज डिपेंड ऑन योर, बच्चियों के भी अगर हार्मोनल चेंजेस डिस्टर्ब हो गए तो बाल आ सकते हैं, बट इट वुड नॉट कम लाइक दैट, इट इज बिफोर सेशन, बिफोर द ट्रीटमेंट, तो उनके कम होकर आएंगे लेकिन आ जाएंगे। लेडीज के अंदर भी मैं यही कहती हूँ कि माइट बी उनके हार्मोनल चेंजेस हो आफ्टर प्रेगनेंसी और समथिंग लाइक दैट, तो वो उसके बाद भी बाल आ सकते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ मशीन, मशीन काम कर रही है ना, सो हम आपके अंदर तो नहीं जा सकते बॉडी के अंदर, सो आपके अगर हार्मोनल चेंजेस बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल हैं, एस्ट्रोजन इतना हाई नहीं है, तो एक दफा में जो हेयर है वो खत्म हो जाते हैं ऐसा? हाँ, आप सेशंस ले लें तो बहुत हद तक रिड्यूशन आ जाती है। परफेक्ट, बहुत जबरदस्त, हमें जबरदस्त तरीके से बताया चीज। आप ये बताइए कि अगर हम आपके पास आपकी प्राइस लिस्ट चेक करना चाहें, अगर लोग जानना चाहें कि आप क्या चार्ज करती हैं लोगों को, तो आप प्लीज हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगी, या आपके प्राइस लिस्ट पेज पे पेज पे चले जाएं तो बेहतर है, किसी क्योंकि माशाल्लाह इतनी सारी हैं, जैसे ऑफर्स चलती हैं आजकल, आपको ऑफर्स भी हमारे लगती, बिल्कुल ऑफर्स लगती हैं, ऑफर्स भी हैं, और आपको प्राइस लिस्ट आपको पेज पे मिल जाएगी, जो आपको पेज बताया शादी खान जी ने। आप अपना पेज का बताया, एम्फसाइज मेडी स्पा मेरा पेज है फेसबुक पे, एम्फसाइज मेडी स्पा के नाम से इंस्टाग्राम पे, और एम्फसाइज मेडी स्पा .ca मेरा वेबसाइट है। अच्छा, और आप सारी लोकेशन है आपकी या आप डिफरेंट लोकेशन है आपकी, आप कहीं नहीं है अभी, तो एक ही है, घर से ही कह रही हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं जी, सो अभी जरा ग्रो होने में थोड़ा इंशाल्लाह हो जाएगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे, और आप जिस तरह की हैं माशाल्लाह, देख लिया आपने, सुन ली बात शादी खान जी की, देखा हमने आपको आज कितनी प्यारी गेस्ट से मिलाया माशाल्लाह, तो अल्लाह मियां आपको तरक्की दे, हमारी दुआएं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत आप लोग बहुत अच्छे होस्ट हैं, और आपने बहुत अच्छा जो है वो, शुक्रिया आपने हमारे शो को इज्जत बख्शी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। अच्छा, अब हम एक और आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे कोई मेरे आखिरी आते आते जाते जाते एक सवाल आपका, हम आपसे जितना चाहेंगे हम आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो हमेशा मैं कहती हूँ हमारे खूबसूरत से गेस्ट को, हमारे खूबसूरत माजिद भाई अपनी खूबसूरत आवाज में हमेशा गाना डेडिकेट करते हैं जाने से पहले।
सुनना चाहे ना चाहे, आपको हर आवाज सुनना चाहते हैं, माशाल्लाह आप जबरदस्त सिंगर हैं, मैं इनकी फीमेल सिंगर हूं जी, बहुत शुक्रिया, हम दोनों इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को गाना गाते हुए देखेंगे आप हमें इंशाल्लाह। मैं आखिरी आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था जाते जाते, आप ये बताइए कि कोई आपसे अगर सेशन करवाता है तो उस सेशन के बाद कोई कोई ऐसी कॉशन आप को लेते हैं, आप पोस्ट केयर देते हैं, पोस्ट केयर देते हैं, बिल्कुल बताते हैं हम, आप सब उनको उसी ऑन द वे, पोस्ट केयर इज एवरी टाइम इंपॉर्टेंट, किसी भी कोई सा भी सेशन हो पोस्ट केयर इज, कुछ खाने पीने का कुछ नहीं, हमारे काम ऐसा नहीं है कि खाना पीना हो, बस हम कहते हैं कि अगर आपने हाइफू वगैरह लिया हुआ है क्योंकि वो बहुत इंटेंस जाता है तो जरा चिली विली को जरा अवॉइड कर लो 48 आवर्स, चिली को अवॉइड कर लो क्योंकि ये वाकई ये रिएक्शन का सबब बनता है, एकदम को और गर्म कर देगा ना अंदर से। तो ये कितनी अच्छी बात है आपने बताई कि कितनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव, मतलब की ये बात की अगर आप लोग आए शादी जी के बाद इन्फ्लेमेशन ना हो जाए, इन्फ्लेमेशन ना हो और आप कोई सौना वगैरह लेके ना आए, वो भी बहुत अच्छी चीज है। आप ट्रीटमेंट के बाद लोगों को बताती हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं होता, अच्छा, मैंने आपको बताया सिर्फ चिली का ही हम कहते हैं, चिली का पानी का टेक ज्यादा करें, पानी ज्यादा, कोई मेडिसिन से आपको रिलेट हो अगर कोई किसी को एलर्जी हो ज्यादा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, मेडिसिन से कोई ऐसा इसका ताल्लुक नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं। सही, ब्यूटीफुल, आपको बहुत, और आप अपने फ्यूचर प्लान्स भी बताइए कि इसके अलावा आप वैसे तो आप बहुत बिजी माशाल्लाह इतना बड़ा ऑलरेडी मैं काम कर रही है माशाल्लाह, मगर आपके और भी कोई फ्यूचर प्लान्स हैं आप शेयर करें जैसे टोरंटो में लोग उनको आप अगर कोई सर्विस देना चाहें। हाँ, जल्दी आप नहीं सीखने के लिए हैव टू बी लाइक एवरीथिंग, हमें जो है ना प्रोफेशनल यहाँ पे एफडीए अप्रूव्ड होनी चाहिए, सो मेरा काम एफडीए अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, लेकिन हमें हर काम के लिए एक तरीके कार है जो कनाडा में जिसको लॉज को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप किसी को नई सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। ओके, या सो मैं अभी रिकमेंडेड नहीं हुई उसके लिए, व्हेन आई वुड बी रिकमेंडेड जब मैं कर लूंगी वो इसका कोर्स भी। So then, तो आप फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम्स अपने जब आप स्पेशल कर रही होती हैं, लेजर्स कर रही होती हैं, तो आप लाइव जाती हैं लोगों को बताती हैं? बहुत कम, क्योंकि हर कोई अपने आप को ओपन नहीं करना चाहता। हमें हर एक क्लाइंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. कोई किसी का कोई बॉडी पार्ट खुला हुआ है वो कह रहा है कि मेरी वीडियो ना शूट करो, सो आई हैव टू टेक केयर, मुझे उनको प्रायोरिटी देनी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। वेरी नाइस, सो आई नेवर गो लाइव लाइक दैट विदाउट एनी कंसर्न, अगर वो कंसर्न दे देते हैं मुझे देन आई गो लाइफ, और कोई भी मेरे पेज पे जो वीडियोज होंगी वो सब कंसर्न के साथ होंगी, मैं उनको पहले दिखा देती हूँ मैं ये पोस्ट करूंगी, आर यू ओके फॉर दैट, परफेक्ट, यस आई एम ओके, फेस का तो ओके होता है, फिर अगर ऐसा है तो फिर मैं उनको। और ये कितनी अच्छी बात है कि आप लोग आपको अलाउ करते हैं क्योंकि आप इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते हो, लोग आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके स्किन और लोगों से शेयर करो, क्योंकि ये सबका जारी है, अगर देखा जाए अगर किसी को, अगर कोई किसी को कह देती हूँ कि आप माइंड ना करें तो मैं आपकी पिक्चर्स डाल दूं, आपकी एक्नी बहुत ही अलाउ करते हैं आपको, क्योंकि आपकी सर्विस, आपकी आपकी इखलाक, आपकी आपकी सर्विस देखते हुए लोग, आपकी मेहनत और आपके जो आप ट्रीटमेंट देती हैं लोगों को देखते हुए लोग आपको अलाउ खुशी से करते होंगे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इनका एक नाम है माशाल्लाह, माशाल्लाह लेजर करती हैं, उतनी अच्छी शख्सियत भी है। तो जाते जाते जी हमारे प्रोग्राम का टाइम माजी जी खत्म हो गया है, पता ही नहीं चलता जी माशाल्लाह, एकदम ऐसे टाइम इतने, मतलब हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ कि बातों में इतनी खूबसूरत बातों में खूबसूरत गेस्ट के साथ खूबसूरत होस्ट के साथ एकदम प्रोग्राम का अख्ताम हो जाता है जी, एंड हो जाता है, और पता नहीं जी इतना चमक रही है आपके हस्बैंड का हकदार है, आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं जी मेरे इर्द-गिर्द, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, यू ऑल आर ब्लेसिंग फॉर मी, सो आप सबका प्यार है जो मुझे खूबसूरत बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप अपना टाइम निकालते हैं, हमें देखते हैं, प्यारा सा मैसेज हमें देते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी पसंद करते हैं, आप लोग जो हमें पसंद करते हैं आप हमें फीडबैक देंगे, और हम लोगों से ऐसे ही प्यार करते हैं, हमारे साथ ऐसे आप लोग का प्यार है, आप लोग हैं तो हम हैं, बिल्कुल जी तो हैं तो हम हैं जी, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट अदा कर रहे हैं सोसाइटी में, जो कि बहुत कम खवातीन होती हैं जो बाहर निकल के आती हैं, घर को भी देखती हैं, और और हम उनमें से एक हैं माशाल्लाह, और हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसी खवातीन को, लाजमी हमें करना भी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस खूबसूरत सी माजिद खान की बात के साथ जी प्रोग्राम का हम एंड कर रहे हैं, और आप खूबसूरत सा मैसेज देना चाहें अपने देखने वालों को इंशाल्लाह, तो अपने प्रोफेशन के हवाले से या चाहने वालों को, अपनी फैंस को जो आपको इतना प्यार करते हैं, टिप दे दूंगी विंटर के हिसाब से, जस्ट डू अ मॉइस्चराइज, गुड मॉइस्चराइज फॉर योर स्किन,
और अपना सन ब्लॉक का सन स्क्रीन का जरूर ख्याल रखें, विंटर में लगाएं, विंटर में भी, नॉट इन ओनली समर, विंटर के अंदर भी, और रात को जरूर मेकअप वगैरह निकाल कर, अगर लेडीज हैं तो प्लीज सोएं, ऐसे ना सोएं वरना स्किन में बहुत पिगमेंटेशन और डैमेज हो जाएगी। अच्छा जी, सो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, विंटर है तो हम पानी कम पीते हैं, सो या विंटर में पानी पीना याद ही नहीं रहता, मुश्किल से एक या दो ग्लास हमें ब्रेक में याद जी। तो आप इसी खूबसूरत सी और कुछ कहना चाहेंगी शाजिया खान? आप हमारे मॉइस्चराइज के लिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपकी स्किन पैची और ड्राइनेस हो गई है, तो भाई आप लोग खाली घर में जो आपके ऑयल होता है ना जी, वो ही लगा लें, वही लगाएं तो सही, या आप बता दीजिए कि कुकिंग ऑयल नहीं लगाना, ऑलिव ऑयल लगाना है जी, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, हेयर ऑयल भी नहीं लगाना, या एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल ले लें, विटामिन ई ले लें, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि इतना तो कर लें आप कम से कम, के कुछ भी नहीं है तो अपने घर से ही सामान निकाल लें, वो ही लगा, माशाल्लाह, जरूरी नहीं आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे जाएं, बहुत महंगी चीजों पे जाएं, ऑलिव ऑयल तो बेस्ट राइट फॉर एवरीथिंग, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए ऑलिव ऑयल जरूर यूज करें, पानी पिए और अपनी नींद पूरी करें जी, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, तो आप खुद ही इंशाल्लाह जबरदस्त, और आपके खूबसूरत सी आवाज के साथ हमारे खूबसूरत सी गेस्ट, तो हमारे लिए जी क्या आज आप गाना लाना चाहते हैं? आज हमारी गेस्ट कहेंगे हम उनको सुनाएं जी, आप क्या सुनना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम का? ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो रहा है, तो आप अपनी चॉइस बताइए, आप सुना दे जिसने लता जी के सुनेंगे या मोहम्मद रफी साहब का, बहुत बड़ा मोहम्मद रफी साहब में, बिल्कुल उससे खूबसूरत कोई बात ही नहीं, ज्यादा खूबसूरत इंसान नहीं कोई, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, मैं आपको सुना दूं एक उनका गाना है बहुत खूबसूरत, वो जब याद आए जी, वेरी नाइस, चलिए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चराग मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, मेरी आवाज, आप लोग, आप लोगों का प्यार है और इनकी बड़े खुलूस से ही हमें कहती है कि आप सारे प्रोग्राम को खराब कर देते हैं, हमेशा एंड में की अपनी सुरीली आवाज से नहीं प्रोग्राम का मैं इख्तिताम करते, इतना मजा आता है हमेशा, तो थैंक यू सो मच माजिद भैया, और मैं प्रिपेयर नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे सुना देता हूं, जो भी सिंगर्स को प्रिपेयर होने की जरूरत ही नहीं होती जनाब, ये तो माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड है, तो आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, तो जरूरत नहीं, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोनों मेरी तरफ से और शाजिया खान की तरफ से, आपको बहुत फौजिया खान, फौजिया खान की तरफ से आपको शाजिया फौजिया दोनों के नाम से बुलाने का शुक्रिया, बहुत बहुत इंशाल्लाह, हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, आपके लिए सदका जारी है, जो आप लोग कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हम हमारे प्रोग्राम्स में आती है, इन्फॉर्मेशन आप हम लोगों के साथ शेयर करें, अभी दिल नहीं भरा, अभी हमारी बातें कंप्लीट नहीं हुई, बहुत कुछ, बहुत सारे सवाल थे जो आपसे पूछने थे, इंशाल्लाह हम आपको फिर बुलाएंगे, थैंक यू सो मच शाजिया खान, उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा, इंशाल्लाह मुझे आप लोगों से, थैंक यू, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, थैंक यू व्यूअर्स, आप लोग अभी जो आप लोग स्क्रीन के पीछे हम लोग और वक्त निकाल के अपना कीमती हम लोगों को देखा, हम लोगों को आप लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर किए हम लोगों ने, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छे से होस्ट गेस्ट के साथ हम लोग हाजिर होंगे, और होस्ट यही है जी फौजिया खान, अच्छे से खूबसूरत से और हैंडसम से माजिद खान, खूबसूरत से फौजिया खान के साथ एक और गेस्ट यहां मौजूद होंगे, और आप लोग अपनी दुआओं में हम लोगों को याद रखिएगा, आपकी दुआएं और आपका साथ प्यार हम लोगों को चाहिए, इसी वजह से बिल्कुल हम यहाँ पे माशाल्लाह आपके साथ और प्यार की वजह से हमें मौजूद है हमेशा, मैं गांव में आता किए अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ अपन इस्तेफाम करते हैं, अपना गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, सलाम, इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, तो सेम चैनल सेम विद सेम होस्ट, और इंशाल्लाह ताला होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा जी, फौजिया खान और माजिद खान को दुआओं में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, अल्लाह हाफिज़।